ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंटिंग फॉर फंडामेंटल्स में, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स, सम्स वाले पेजेस। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हमको क्वेश्चन में बोला हुआ है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बनाने के लिए बोला है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला है। ये हमारा आज का टॉपिक, ये क्वेश्चन नंबर 46 है गरीवाल का। ठीक है, एक एक करके मैं सारी बातें लिखते जाऊंगा, सुनना ध्यान से, इजी है वैसे, इतना हार्ड नहीं है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो मैंने एक ब्लैंक फॉर्मेट बना के रखा है पीएनएल अप्रोप्रिएशन का, यहाँ पे पुरानी वाली सारी एंट्रीज मैं डिलीट कर दूं, ये पुराने क्वेश्चन की एंट्री है, ये डिलीट कर दिया मैंने, ये ब्लैंक फॉर्मेट अप्रोप्रिएशन का, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का ब्लैंक फॉर्मेट। ठीक है, अभी पार्टनर्स का नाम क्या है, ए और बी, ए और बी का पीएनएल रेशियो है 3:1। मैं 3:1 यहाँ पे लिख देता हूँ अप्रोप्रिएशन के मार्जिन में, जितना हो सके नीचे, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन की मार्जिन में मैं 3:1 लिख देता हूँ यहाँ पे। ये लास्ट में काम आएगा जब हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तभी हमको काम आएगा 3:1। पार्टनर्स का नाम है ए और बी, तो मैं बाकी जो एक्स्ट्रा ब्लैंक कॉलम्स है वो मैं डिलीट कर दूं। ये पार्टनर्स का नाम ए और बी, तो ए में डेबिट साइड क्रेडिट साइड ए और बी। ठीक है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे प्लस होता है और डेबिट साइड पे माइनस। यहाँ पे इस क्वेश्चन में पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया हुआ है, तो जब हम लोगों को करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया हुआ होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। जब भी मैं लिखूं रूल्स, मतलब थियरी वाले पेजेस में लिखना, और जब भी मैं लिखूं वर्किंग नोट्स, मतलब सम्स वाले पेजेस में, तो हेयर द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, the balance of partner's current account is not given, so we should assume that fluctuating capital account method is followed. हम ऐसा assume करेंगे कि fluctuating capital account method follow होता है, ठीक है, क्योंकि current account का balance कहीं पे दिया हुआ नहीं है। अब यहाँ पे लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1 ऑन 1st April 2021 देयर कैपिटल्स वर 50,000 and 30,000। तो ये जो कैपिटल है 50,000 और 30,000 ए और बी का, ये कैपिटल अकाउंट में आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड 50,000 और 30,000, इसको हम बोलेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और इसका एक ही इफेक्ट होता है क्योंकि नॉर्मली लॉन्ग सम्स में ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ होता है, इसको हम लोग बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल। नॉर्मली ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ होता है, इसलिए इसका एक ही इफेक्ट होता है। आगे कैपिटल के बाद आपको दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2022। अब ये जो डेट दी हुई है 31 मार्च 2022, तो मैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में मैं लिखूंगा ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑफ ए एंड बी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑफ ए एंड बी for the year ending on 31/3/2022, for the year ending on 31/3/2022, ये debit side और ये credit side, ये हमारा PNL appropriation account। आगे फिर आगे लिखा है the firm earned a net profit of 50,000, ये जो net profit 50,000 दिया हुआ है ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे आता है फर्स्ट लाइन, यहाँ पे 50,000 ये हमारा नेट प्रॉफिट है। ये कहां से कहां पे ट्रांसफर होता है, ये पीएनएल अकाउंट में दे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दे फाइंड आउट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये डेबिट साइड पे आता है, तो अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे आता है। ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब पीएनएल में डेबिट होता है, अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होता है, नेट प्रॉफिट 50,000। फिर आपको लिखा हुआ है द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर एज फॉलोज, फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। अब आपको याद होगा जहां कैपिटल वहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जहां कैपिटल वहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 50,000
मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 100, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 100 3,000 होता है, और 30,000 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 100 1,800 होता है। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब मैं ऐसे याद करता हूँ, जहां कैपिटल वहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल जो है ये कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्रेडिट होगा, ठीक है। अब 3,000 और 1,800 यहाँ पे हुआ क्रेडिट, तो अप्रोप्रिएशन में होगा डेबिट। 3,000 और 1,800 अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड, यहाँ पे मैं लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी। ए का इनर कॉलम में 3,000, बी का इनर कॉलम में 1,800। अब 3,000 और 1,800 आउटर कॉलम में हो जाएगा 4,800, दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में 4,800 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसलिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा, और पार्टनर्स के लिए इनकम है, इसलिए पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट होगा। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद आपको दिया हुआ है बी पॉइंट, बी पॉइंट में दिया हुआ है, बी पॉइंट में दिया हुआ है ए विल गेट अ कमीशन एट 2% ऑन टर्नओवर। ए विल गेट अ कमीशन एट 2% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर मतलब सेल्स, और सेल्स आपको यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। टर्नओवर फॉर द ईयर इज 3 लाख। ये जो 3 लाख रुपीज है टर्नओवर मतलब सेल्स, ये 3 लाख रुपीज आपको कहीं पे डेबिट क्रेडिट नहीं करना है। ये 3 लाख रुपीज ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आता है बाय सेल्स। आपको सेल्स कहीं पे लिखना नहीं है, बस इस 3 लाख रुपीज पे 2% कमीशन निकालना है। अब 3 लाख का 2% होता है 6,000, और वो ए को कमीशन देना है आपको 6,000, 3 लाख का 2%। अब ए को कमीशन देंगे इक्वल टू 3 लाख मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 100, तो 3 लाख का 2% होता है 6,000 बाय एज कमीशन। अब ये जो एज कमीशन है ये ए में होगा क्रेडिट, क्योंकि पार्टनर ए के लिए ये इनकम है, तो ए में होगा क्रेडिट, तो अप्रोप्रिएशन में होगा डेबिट। मतलब ए के लिए ये 6,000 इनकम है, और हमारे बिजनेस के लिए ये 6,000 एक्सपेंस है, तो अप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा टू एज कमीशन 6,000। मतलब 3 लाख का मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, 3 लाख रुपीज मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 100, 6,000, ये एज कमीशन हुआ। आगे और क्या दिया हुआ है, फिर आपको लिखा हुआ है बी विल गेट अ सैलरी ऑफ 500 रुपीज पर मंथ, 500 पर मंथ, लेकिन हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं पूरे साल के, तो 500 पर मंथ, तो पूरे साल का होगा 500 मल्टीप्लाई बाय 12, 6,000 बी की सैलरी। तो बी को हम लोग सैलरी देंगे 6,000, तो बी के लिए इनकम है, तो बी में हो जाएगा क्रेडिट 6,000, बी के लिए ये इनकम है बाय बीज सैलरी। बी के लिए इनकम है तो बी में हो जाएगा क्रेडिट, और बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, बी में क्रेडिट, बी के कैपिटल में क्रेडिट, बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस है, तो अप्रोप्रिएशन में हो जाएगा डेबिट 6,000। पी एन एल अप्रोप्रिएशन में डेबिट टू बीज सैलरी 6,000, ठीक है। हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस और बी के लिए इनकम, ब्रैकेट में कैलकुलेशन 500 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, 500 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स 6,000 बी की सैलरी। आगे फिर लिखा हुआ है बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट, ये थोड़ा हार्ड है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन, सुनना ध्यान से। बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। मतलब सिंपल भाषा में बोले तो कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन, सारे खर्चे माइनस करने के बाद, तो ये जो लाइन लिखी हुई है बी विल गेट कमीशन एट 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन, मतलब सारे खर्चे माइनस करने के बाद और कमीशन भी माइनस करने के बाद 5%। तो इन शॉर्ट ये हुआ कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो जब भी लिखा हो कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन कैसे सॉल्व करेंगे, यही थोड़ा टिपिकल है बी का कमीशन, सुनना ध्यान से। पहले मैं एंट्री कर देता हूँ, बी का जो कमीशन है वो बी के लिए इनकम है, बी का जो कमीशन है वो बी के लिए इनकम है, तो बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा बाय बी कमीशन। तो ये बी के लिए इनकम है, अमाउंट हमको मालूम नहीं है, पर बी के लिए ये इनकम है,
तो बी के कैपिटल में मैं कर दूंगा क्रेडिट, अमाउंट थोड़ी देर के बाद लिखूंगा मैं, अमाउंट में थोड़ी देर के बाद लिखूंगा, तो बी के कैपिटल में कर दूंगा क्रेडिट, और पीएनएल अप्रोप्रिएशन में मैं कर दूंगा डेबिट। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में मैं आप लिखूंगा टू बी कमीशन, अमाउंट थोड़ी देर में मैं समझाऊंगा कैसे आएगा, ठीक है। वो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन के लिए तीन चार लाइन छोड़ देता हूँ, कैलकुलेशन के लिए मैंने तीन चार लाइन छोड़ दी, अमाउंट थोड़ी देर के बाद। आगे और क्या लिखा हुआ है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है पार्टनर्स ड्रॉइंग्स फॉर द ईयर, पार्टनर्स ड्रॉइंग्स फॉर द ईयर वर ए 8000 एंड मिस्टर बी 6000। अब ये जो ड्रॉइंग्स है 8000 और 6000, ये लॉन्ग सम्स में ट्रायल बैलेंस में दिया होता है, और ट्रायल बैलेंस का एक ही इफेक्ट होता है। तो ये जो 8000 और 6000 ड्रॉइंग्स है, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा। 8000 और 6000 ये पार्टनर्स का ड्रॉइंग्स, 8000 ए का, 6000 बी का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स 8000 और 6000, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आता है। एक इफेक्ट क्यों, इसका एक ही इफेक्ट क्योंकि ये लॉन्ग सम्स में ट्रायल बैलेंस में दिया होता है, तो जो भी ट्रायल बैलेंस में होता है उसका एक इफेक्ट होता है। आगे फिर आपको लिखा हुआ है टर्नओवर, टर्नओवर जो 3 लाख है ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड पर, हमारे वाले दोनों अकाउंट में नहीं। आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्ट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो तो मैंने ड्रॉ कर दिया, पीएनएल अप्रोप्रिएशन भी और पार्टनर्स कैपिटल भी। अब पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि ये हमारा फ्लक्चुएटिंग, इसको फ्लोटिंग भी बोलते हैं, और फ्लोटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है। ये हमारा फ्लक्चुएटिंग या फ्लोटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है, क्योंकि करंट अकाउंट नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में। चलो अभी बी की कमीशन बाकी है और एनडीपी डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी है, धीरे धीरे शुरू करते हैं। अब बी की कमीशन सॉल्व करने के लिए, ये जो बी का कमीशन है ये सॉल्व करने के लिए, पहले हमको पीएनएल अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट टोटल और डेबिट टोटल करना पड़ेगा। तो पीएनएल एट प्रेजेंट, अभी क्रेडिट टोटल और डेबिट टोटल कितना है, बाद में चेंज हो जाएगा। अभी क्रेडिट का टोटल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे एक ही अमाउंट है 50,000, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ, इक्वल टू सम, इस वक्त पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे एक ही अमाउंट है, तो क्रेडिट का टोटल हुआ हमारा 50,000, डेबिट का टोटल हुआ हमारा 16,800, डेबिट में कितनी अमाउंट्स हैं, तीन, एक 4800, एक 6000, एक 6000, तो 6 और 6 हुआ 12, 12 और 4 हुआ 16,800, तो इस वक्त हमारा क्रेडिट का टोटल 50,000 है, बाद में सब चेंज हो जाएगा। एट प्रेजेंट हमारा क्रेडिट का टोटल 50,000 है, हमारा डेबिट का टोटल 16,800 है। अब मैं डिफरेंस निकालूंगा, तो हमारा जो डिफरेंस होगा, मतलब डेबिट माइनस क्रेडिट, वो कितना होगा, तो डिफरेंस होगा हमारा 50,000 माइनस 16,800। तो एट प्रेजेंट हमारा डिफरेंस कितना है, 50,000 माइनस 16,800, एट प्रेजेंट हमारा डिफरेंस है 33,200। ये जो 33,200 डिफरेंस है एट प्रेजेंट, क्रेडिट माइनस डेबिट 33,200, इसको मल्टीप्लाई बाय 5/105 करेंगे, और ये सब वर्किंग नोट्स है, ये सब हमारे वर्किंग नोट्स में आएगा। तो एट प्रेजेंट हमारा क्रेडिट का टोटल है 50,000, डेबिट का टोटल है 16,800, डिफरेंस है 33,200। ये जो डिफरेंस आया, इस डिफरेंस में से हम कमीशन निकालेंगे 33,200 मल्टीप्लाई बाय 5/105, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन, क्वेश्चन में लिखा है कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन। देखो डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, पर इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, बी विल गेट कमीशन एट 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन, मतलब सारे एक्सपेंसेस माइनस करके और कमीशन माइनस करके फिर 5% कमीशन, मतलब कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो 33,200 मल्टीप्लाई बाय 5/105, तो यहाँ पे हमारा कमीशन आ जाएगा। मैं पहले नीचे की तरफ लिख देता हूँ, इधर इक्वल टू 33,200 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 105, ये आएगा 1580.91, और ये राइट है। देखो ये बुक वालों का, गरेवाल वालों का आंसर 1581, तो मेरा आ रहा है 1580.95, अप्रोक्सीमेटली 1581, 0.95 हटा देंगे तो 1580 की जगह 1581 हो जाएगा। ये हमारा कमीशन, ये मैं यहाँ पे आउटर कॉलम में लिख दूंगा,
बीस कमीशन 1581। अब मैं फिर से क्रेडिट टोटल और डेबिट टोटल करूंगा और अभी जो डिफरेंस आएगा वो मेरा नेट डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। मैं फिर से क्रेडिट और डेबिट का टोटल करूंगा, ठीक है। ये पूरा मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूं और ये पूरा आपका वर्किंग नोट्स में जाएगा, ये सब आपका वर्किंग नोट्स है। तो एट प्रेजेंट इतना क्रेडिट टोटल डेबिट टोटल है, लास्ट में हमारा आंसर आया 1581। इसमें मैं पूरे में ब्रैकेट लगा देता हूं, ये सब जो मैंने कलर चेंज किया ये सब आपके वर्किंग नोट्स में जाएगा। अभी मैं क्रेडिट टोटल डेबिट टोटल फिर से करूंगा और डिफरेंस फिर से निकालूंगा। तो क्रेडिट साइड पे तो वही जो पहले अमाउंट थी 50,000 वही रहेगी और कोई अमाउंट नहीं है। तो फिर से मैं क्रेडिट टोटल डेबिट टोटल करूंगा तो क्रेडिट का टोटल 50,000 ही रहेगा, डेबिट में टोटल बढ़ जाएगा। पहले डेबिट का टोटल था ये वाला 16,800, अभी डेबिट में टोटल में 1581 और भी बढ़ जाएगा। तो पहले था 16,800 और 1581 और भी बढ़ गया, तो अभी डेबिट का टोटल हो गया 18381, ये वाला 18381, ठीक है। अभी डिफरेंस निकालता हूं मैं टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट। मैं जानबूझ के लिख के देता हूं ऐसे कि क्रेडिट का टोटल अभी 50,000 है, डेबिट का टोटल पहले 16,800 था 16,800, अभी हो गया 18381। तो इसको आप माइनस करोगे दोनों को तो आपका एनडीपी आ जाएगा, मतलब 50,000 माइनस 18381 तो आपका एनडीपी आएगा 31619। ये एनडीपी आ गया, और ये जो एनडीपी आ गया 31619 इसको हम लोग ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए और बी के पीएनएल रेशियो में। कितना एनडीपी आया 31619। जैसे ही मैं यहाँ पे 31619 आउटर कॉलम में लिखूंगा तो दोनों साइड का टोटल टैली हो जाएगा 50,000 50,000, टैली हो गया। अब ये जो 31619 है इसको ए और बी में पीएनएल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 31619 मल्टीप्लाई बाय 3/4 ये रहा पीएनएल रेशियो। इसलिए मैं पीएनएल रेशियो पहले से ही लिख के रखता हूँ, तो 31619 मल्टीप्लाई बाय 3/4 और 31619 मल्टीप्लाई बाय 1/4 तो एक आया 23714.3 रफली 23714, एक आया 7904.75 रफली 7905, ठीक है। तो 23714 देखें राइट है, ये रहा 23714 और 7905 राइट है, ये दोनों पार्टनर्स का एनडीपी आ गया। दो तीन चीजें मेरी लिखना रह गई, जैसे बी का कमीशन है 1581, इसका दूसरा इफेक्ट करना मेरा रह गया। तो बी का कमीशन 1581, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में हुआ डेबिट, तो बी के कैपिटल में होगा क्रेडिट यहाँ पे 1581, तो मेरा सेकेंड इफेक्ट करना रह गया था। और नेट डिविजिबल प्रॉफिट, तो ये जो ए और बी का एनडीपी आया 23714, ये 23714 ए का जो शेयर है 23714, तो अप्रोप्रिएशन में हुआ डेबिट तो कैपिटल अकाउंट में होगा क्रेडिट 23714। उसी तरीके से बी का है 7905 अप्रोप्रिएशन में डेबिट, तो बी के कैपिटल में क्रेडिट 7905। मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय नेट डिविजिबल प्रॉफिट। और अभी मैं कैपिटल अकाउंट को भी टैली करूंगा, कैपिटल अकाउंट में पहले ए का क्रेडिट का टोटल, तो इसमें टोटल चार अमाउंट है 50,000 3,000 6,000 23714, तो ये टोटल आता है ए का क्रेडिट का टोटल आता है 82714, ये ए का क्रेडिट का टोटल। अभी ए का डेबिट का टोटल, पहले ए को ही टैली करेंगे, तो ए का क्रेडिट का टोटल 82714, डेबिट का टोटल 8,000, अब माइनस करते हैं तो 82714 माइनस 8,000 डिफरेंस आया 74714, इसको मैं लिखूंगा तो बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, क्वेश्चन मार्क आपको मालूम है मैं लगाता हूँ, क्वेश्चन मार्क मतलब डिफरेंस क्रेडिट माइनस डेबिट, तो 74714 ये 74714 ए का बैलेंस। अभी बी का बैलेंस, तो बी का जो कैपिटल है उसका डिफरेंस निकालते हैं, बी के कैपिटल का क्रेडिट का टोटल, तो बी के कैपिटल का क्रेडिट का टोटल है 47286 और डेबिट का टोटल है 6,000, तो 47286 माइनस 6,000 डिफरेंस आया 41286। अब ये राइट है 41286, ये भी राइट है, ये 41286, मतलब सारी अमाउंट्स हमारी परफेक्ट आई। अब
बस बैलेंसिंग भी हो गई। और वैसे क्या होता है, वैसे इस बैलेंसिंग के बाद नॉर्मली इस बैलेंसिंग के बाद ये जो दोनों पार्टनर्स का कैपिटल आया, जो दोनों पार्टनर्स का बैलेंस सीएफ आया, ये वाला 74714 और 41826, ये नॉर्मली जाता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे, पर आपको कभी भी बैलेंस शीट ड्रॉ करने के लिए पूछेंगे नहीं। तो 74714 ए का कैपिटल और 41286 बी का कैपिटल, ये बैलेंस शीट में जाता है, लायबिलिटी साइड पे जाता है, वो इस समय पूछी नहीं। इस समय सिर्फ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ही पूछा है। तो मैं एक बार स्क्रोल कर देता हूँ, इतना लिखना अच्छे से, पर ये क्वेश्चन इतना ही करना। एक बार स्क्रोल करता हूँ, लिखते रहना। ये क्वेश्चन यहां से आंसर, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन, ये पार्टनर्स कैपिटल, ये रूल्स। थियरी वाले पेज में, सम्स वाले पेज में लिखो तो ज्यादा अच्छा, वर्किंग नोट्स सम्स वाले पेज में लिखो, ठीक है, लिखते रहो। लिखते रहो बेटा।